प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आधुनिक जलियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। आधुनिक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गई हैं। ये गैलरियां कुछ पुरानी इमारतों में नए सिरे से निर्माण करके बनाई गई हैं। इनमें उस समय के पंजाब की ऐतिहासिक घटनाओं को ऑडियो वीडियो तकनीकी के साथ दिखाया जा सकता है। इसके अलावा वहां कलाकृतियों और मूर्तियों के जरिए इतिहास का दर्शन कराने की व्यवस्था है। जलियांवाला बाग स्मारक में एक थिएटर भी बनाया गया है। इसमें एक साथ 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस थिएटर में डिजिटल डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की व्यवस्था है। थिएटर में 13 अप्रैल 1999, आपको बता दें इस थिएटर में 13 अप्रैल साल 1919 को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने की घटना को इसमें दिखाया जा सकता है। जलियांवाला बाग कांड की याद हर भारतवासी को झकझोरती रही है। इसके स्मारक का आधुनिक स्वरूप नए भारत को प्रेरणा देगा। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। आजादी के मतवालों को, हिम्मत वालों को, अपनी जान की बाजी लगाने वालों को भारत भूल नहीं सकता। जलियांवाला बाग का ये आधुनिक स्मारक जब आज राष्ट्र को समर्पित हुआ तो ये नया संकल्प है कि आज का भारत स्वतंत्रता पाने की हर कीमत को याद रखेगा। जिन जिन घटनाओं ने भारत को स्वतंत्रता हासिल करने तक झकझोरा है उसमें से किसी को भी भुलाया नहीं जाएगा। भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। जलियांवाला बाग का यह आधुनिक स्मारक सिर्फ अतीत का स्मरण भर नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य को संजोने और हर मुश्किल में जो कुछ भी भारत का है उसके साथ खड़े होने की प्रेरणा भी है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आधुनिक जलियांवाला बाग स्मारक को देश को समर्पित कर रहे थे तब उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा भी। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत है, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीश पर रखकर भारत लाए हैं। संकट के समय में भारत की एकजुटता के प्रतीक जलियांवाला बाग स्मारक ने आजादी के बाद भारत की पीढ़ियों को भरोसा दिया है। इसीलिए भारत आज अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है। आज तक ब्यूरो